चैप्टर 10 सर्कल्स में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज. तो सर्कल सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस. प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स. तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे अगर उनका रेडियस सेम है. प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स. मतलब अगर दो सर्कल्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जो उनके इक्वल कॉर्ड्स एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल रहेंगे. तो सबसे पहले सर्कल के बारे में यहाँ पर लिखेंगे. सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस. तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. दिस फिक्स्ड पॉइंट is called as the center of the circle. अब जो circle का fixed point होगा जहाँ से वो equidistant रहेगा उस point को हम कहते हैं center. So this fixed point is called as the center of the circle and this equal distance is called as radius of the circle and thus the shape of a circle depends on its radius. अब अगर एक fixed point है और ये है radius, यानी कि set of all points, collection of points which are equidistant from this fixed points. तो ये जो distance है वो है radius. तो circle का shape radius पर depend करेगा. अगर radius small है तो circle भी small रहेगा. अगर radius अगर greater है तो circle भी greater रहेगा. इस तरह से तो यहाँ पर लिखा है शेप ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस. तो हमने डायग्रामेटिकली भी इसे समझ लिया है. अब नेक्स्ट चीज हम लिखेंगे अगर हम दो इक्वल रेडियस वाले सर्कल को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करें तो उनका जो एरिया रहेगा वो इक्वल होगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट इफ वी सुपर इम्पोज टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस देन both circles will cover each other. अब अगर वो दोनों circles equal radius के हैं तो जब हम उन्हें superimpose करते हैं तो उनका area भी equal रहेगा. इसका मतलब जो total area वो cover करेंगे वो equal होगा. अगर ये equal है मतलब दोनों जो circles हैं वो congruent रहेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे therefore two circles, congruent circles are congruent if they have equal radius.
अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हमें प्रूव करनी है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. अगर हम इस तरह से कॉर्ड 2 सेंटीमीटर का कॉर्ड ले तो उन्होंने हमें प्रूव करने को कहा है कि ये कॉर्ड जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा वो एंगल इक्वल रहेगा एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ. ये तो दो सर्कल जिनके कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है उन वो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल रहेंगे. ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिडर, इसे नाम देंगे ओ ए बी एंड ओ डैश सी डी. अब यहाँ पर ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ओ ए बी और ओ डैश सी डी. ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी. अब यहाँ पर कॉर्ड्स सेम है ए बी इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ, कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ. उसके बाद रेडियस भी यहाँ पर इक्वल है सो ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. देन ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी रेडियस है सो रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. अब अगर 3 साइड्स इक्वल है तो ये 2 ट्राइंगल्स भी इक्वल रहेंगे. देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय 3 साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी. अब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है यानी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे. तो यहाँ से हमने दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया है बाय सी पी सी टी. हेंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कि कॉन्वर्स ऑफ अबव एग्जांपल. हम फिर से यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे और कॉर्ड्स की लेंथ को बाय सी पी सी टी इक्वल प्रूव करेंगे. सो ओ ए बी ओ डैश सी डी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी गिवन. ये उन्होंने दिया है इक्वल एंगल्स. अब ओ ए और ओ डैश सी रेडाई है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. देन ओ बी इज ऑल्सो रेडियस ओ डैश डी इक्वल टू ओ डैश डी रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. नेक्स्ट यहाँ पर अब यहाँ पर एक एंगल और 2 साइड्स इक्वल है देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. अब अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल रहेंगे. देयरफॉर कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी बाय सी पी सी टी. हेंस
if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. अब उन्होंने कहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. यहाँ पर मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ विद सेंटर ओ एंड ओ डैश. अब ये दो सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट्स एक भी नहीं है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे द अबव सर्कल्स do not intersect, do not intersect each other at any point. Therefore, they do not have any point in common. उसके बाद अगर सर्कल्स इस तरह से हो सेंटर बी ए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है तो ये जो दो सर्कल्स है अबव सर्कल्स टच ईच अदर एट ओनली एट वन पॉइंट वाई. तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है वाई. तो हम लिखेंगे द अबव सर्कल्स touch each other only at one point y. Therefore, there is one point in common. उसके बाद सर्कल है और एक सर्कल उसके अंदर इंटीरियर में. तो इसका सेंटर है डी सी और ये है इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स. अब ये दो सर्कल्स भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो द अबव सर्कल्स टच ईच अदर एट वन पॉइंट एक्स ओनली. Therefore, the circles have one point in common. अब इस सर्कल में हमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं जी एच. तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीज सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू पॉइंट्स
G and H. Therefore, the circles have two points in common. अब इस तरह के सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इनमें दो कॉमन पॉइंट्स है. यहाँ पर G एंड H दो कॉमन पॉइंट्स हैं. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट देयर कैन बी मैक्सिमम टू पॉइंट्स इन कॉमन. अब यहाँ पर थ्री पॉइंट्स हम कॉमन नहीं दिखा सकते. अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम देयर विल बी टू पॉइंट्स इन कॉमन. और अगर हम सर्कल को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं सुपर इम्पोजिंग अ सर्कल, तो इसका मतलब होगा कि हम एक ही सर्कल को दो बार ड्रॉ कर रहे हैं. तो इसीलिए ये कंडीशन को हम नहीं लेंगे. इसलिए हमने लिखा है कि मैक्सिमम टू पॉइंट्स इन कॉमन. इस सिचुएशन को हम कहेंगे टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर. इसीलिए यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट्स रहेंगे मैक्सिमम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, हाउ विल यू फाइंड इट सेंटर. To find its center. अब यहाँ पर हम step by step लिखेंगे. Step one, take the given circle. Step two, take any two different chords. AB and CD of this circle and draw perpendicular bisectors. Of these chords. Step 3. Let these perpendicular bisectors meet at point O. Hence O is the center of the given circle. तो इन steps को हमें लिखना है इस answer के लिए. और एक बार देखेंगे कि इससे किस तरह से हमने इस तरह से कैसे हम center को find out कर सकते हैं. तो first step, take the given circle. Second step, take any two different chords AB and CD. उसके बाद draw perpendicular bisector of these chords. तो जब हम इन chords का perpendicular bisector draw करेंगे तो वो pass होगा इनके midpoint से. So यहाँ से जब ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो रहेगा सेंटर. तो यहाँ पर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल. इस तरह से हम किसी भी सर्कल के सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं. दो कॉर्ड्स बनाने हैं, उनके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और उन दो कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पर मीट करेंगे वो रहेगा सेंटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, If two circles intersect at two points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord.
intersect at two points. Prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे. अब ये दो सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं ए और बी पर, ये है उनके सेंटर्स ओ एंड ओ डैश. हमें प्रूव करना है कि इनके जो सेंटर्स है इस कॉमन कॉर्ड पर, ये जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड फॉर बोथ द सेंटर्स सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश. तो उन्होंने कहा है कि ये जो सेंटर्स है दे लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड. तो इसे हम प्रूव करेंगे. कंसिडर टू सर्कल्स सेंटर्ड एट पॉइंट ओ एंड ओ डैश intersecting each other at point A and B respectively. Join AB. अब यहाँ पर AB हमने जो कॉर्ड है उसे join किया है, therefore AB is the chord of the circle centered at O. Therefore, perpendicular bisector of AB will pass through O. अब यहाँ पर जब हम AB join कर रहे हैं तो ये कॉर्ड ए बी, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा इट विल पास थ्रू द सेंटर ओ, जिसे हमने इस क्वेश्चन में भी देखा था कि जब हमें सेंटर फाइंड आउट करना है तो दो कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इसी प्रॉपर्टी से यहाँ पर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा. उसके बाद अगेन, अब अगर सेंटर सर्कल विद सेंटर ओ, इसके लिए अगर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास हो रहा है तो सिमिलर वे में सेंटर विद सर्कल विद सेंटर ओ डैश में भी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डैश से पास होगा. अगेन ए बी इज ऑल्सो द कॉर्ड ऑफ द सर्कल centered at O dash, therefore perpendicular bisector of AB will also pass through O dash. Clearly the center of these circles lie on the perpendicular bisector of the common chord. अगर ए बी कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास हो रहे हैं दोनों सर्कल में, तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है, या ये जो क्वेश्चन था इसे हमने प्रूव किया है. तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the common chord. Next example है, two circles of radii 5 cm and 3 cm
intersect at two points and the distance between their centers is 4 centimeters. Find the length of the common chord. यहाँ पर दो सर्कल्स है, रेडियस है उनका 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट्स पर. तो सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहा है मतलब सेंटर विल लाई इनसाइड द सेंटर ऑफ दिस, इनसाइड द सर्कल ऑफ दिस. अब यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ओ और ओ डैश का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. अब कॉमन कॉर्ड रहेगी ये. ए बी और ये है सेंटर ओ डैश. दिस इज अ परपेंडिकुलर सी. Let the radius of the circle centered at O and O dash be 5 centimeters and 3 centimeters respectively. OA equal to OB. अब OB और ओ ए ये सर्कल के बाउंड्री पर लाए करते हैं, इसीलिए ये रेडियस है और इनकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. अगेन ओ डैश ए और ओ डैश बी ये भी रेडियस है और इनकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर. ओ ओ डैश विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी. तो यहाँ हम लिखेंगे ओ ओ डैश विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी. जैसा हमने ऊपर प्रूफ किया था कि ये कॉमन कॉर्ड है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा. तो ये कॉमन कॉर्ड है सेंटर ओ डैश के लिए भी और सर्कल विद सेंटर ओ के लिए भी. तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा है ओ ओ डैश विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू सी बी बिकॉज पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसीलिए. इट इज गिवन दैट ओ ओ डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ये गिवन था ओ ओ डैश. लेट ओ सी, ओ सी है डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एंड सेंटर. ओ सी को हम कंसिडर करेंगे एक्स, तो ओ डैश सी विल बी एक्स माइनस 4, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस एक्स माइनस ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर हो. अब ट्राइंगल ओ ए सी में
अब ओ ए सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए सी, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ए सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 25 - x² इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ओ डैश ए सी, ओ डैश ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ओ डैश ए है 3, सो 3² ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी स्क्वायर इज x - 4 होल स्क्वायर, इम्प्लाइज 9 इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस x² प्लस 16 - 8x, दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इक्वल टू -x² -7, 16 - 9 = 7 प्लस 8x। अब इन सब चीज़ों को यहाँ पर शिफ्ट किया है इसलिए ये नेगेटिव है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 - x² -x² -7 प्लस 8x, दिस विल बी -x² -x² कैंसिल, तो ये होगा 25 + 7 = 32, 8x इक्वल टू 32, दैट मीन्स x है 4, देयरफॉर एक्स था ओ सी, ओ सी डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर, देयरफॉर द कॉमन कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल that is O dash, and hence it will be the diameter of the smaller circle. कॉमन कॉर्ड, ये जो कॉमन कॉर्ड है इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट इज ओ डैश एंड हेंस इट विल बी द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब अगर ये सेंटर से पास हो रहा है तो ए बी यहाँ पर डायमीटर रहेगा इस स्मॉलर सर्कल के लिए, और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, एक्स इक्वल टू 4 था यहाँ पर, और एक्स इज ओ और ये 4, लेकिन स्मॉलर सेंटर का रेडियस था 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है कि ओ और इसे हम सी कंसिडर करेंगे, सी और ओ डैश को इंसाइड करते हैं दोनों पॉइंट्स, अगर ये 4 है और इसका रेडियस 3 है तो मतलब ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से पास होगी। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड अब कॉमन कॉर्ड जो है वो डायमीटर है इसीलिए ए बी इक्वल टू 2x ओ डैश ए, तो ए बी की लेंथ विल बी 2x 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड की लेंथ यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है विच इज 6 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पर हमने पहले रेडियस जो दिए थे वो लिखे हैं, उसके बाद ए सी और सी बी इक्वल दिखाया है बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इन दोनों सेंटर्स से पास होगा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, हमारे पास है 4, और इस स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है
वो है 3। यहाँ पर रेडियस और इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से समझेंगे, ये है स्मॉलर सेंटर सर्कल, इसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एक इससे बड़ा सर्कल यहाँ पर थी कॉर्ड AB और इसका डिस्टेंस था टोटल 5 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि 5 माइनस 3 ये होना चाहिए था 2 सेंटीमीटर, पर जब हमने इसे कैलकुलेट किया है तो ये जो कॉर्ड है ये सेंटर के साथ कोइंसाइड हो रही है बिकॉज इस डिस्टेंस की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। मतलब जब ये कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है ये इस सेंटर के साथ कोइंसाइड होगा तभी इनका डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमने कॉर्ड AB की लेंथ जो है वो फाइंड आउट की है। नेक्स्ट है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। सर्कल बनाएंगे पहले, सेंटर O, कॉर्ड है RS PQ, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स U एंड V, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T। अब यहाँ पे उन्होंने प्रूफ करने को कहा है दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड, यानी कि अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स भी इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर लेट PQ एंड RS बी टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ गिवन सर्कल एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट T। Draw perpendiculars OV and OU on these chords। अब यहाँ से हमारे पास दो ट्राइंगल है OVT and OU2, OUT। यहाँ पर OV और OU है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल या फिर डिस्टेंस बिटवीन वन कॉर्ड एंड द सेंटर
और ये भी है कॉर्ड और सेंटर का डिस्टेंस। अब ये दोनों कॉर्ड्स है इक्वल इन लेंथ, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है इसलिए एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर OV और OU इक्वल है, उसके बाद एंगल OVT इक्वल टू एंगल OUT, राइट एंगल्स है ईच 90, OT इक्वल टू OT कॉमन साइड। अब ये दोनों ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि वी टी और यू टी इक्वल रहेंगे बाय सी पी सी टी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पी क्यू और आर एस इक्वल है, पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल, और वी और यू है उनके मिड पॉइंट्स बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पर हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस विल बी VT, PV, half of PQ is PV, यहाँ से और half of RS is RT, RU, ये है मिड पॉइंट U। अब PV प्लस वी टी यहाँ पर हम ऐड करेंगे, पी वी प्लस वी टी, आर यू प्लस वी टी और यू टी दोनों इक्वल है इसीलिए हम यहाँ पे यू टी लिखेंगे। आर यू प्लस यू टी विल गिव आर टी और पी वी प्लस वी टी विल गिव पी टी। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 4, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर इक्वेशन 2 में पी क्यू और आर एस हमने इक्वल दिखाया है तो हम पी क्यू माइनस पी टी लिखेंगे, पी क्यू माइनस पी टी और आर एस माइनस आर टी। तो यहाँ से पी क्यू माइनस पी टी, पी क्यू माइनस पी टी विल गिव क्यू टी, दिस इम्प्लाइज क्यू टी इक्वल टू आर एस माइनस आर टी इज एस टी, इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो डिस्टेंस है क्यू टी और एस टी ये इक्वल है, इक्वेशन 4 and 5 indicate that the corresponding segments of chord PQ and RS are congruent to each other। तो यहाँ पर इक्वेशन 4 में पी टी इक्वल टू आर टी है, पी टी इक्वल टू आर टी, और इक्वेशन 5 में एस टी इक्वल टू क्यू टी। तो इनके अगर ये जो चीज़ है आर टी और क्यू टी ये इक्वल है इनसे, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है ये भी इक्वल रहेंगे। के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. Question hai, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point at the major arc. So, ye circle hai. कॉर्ड ए बी की लेंथ है रेडियस के इक्वल, यानी कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ओ ए बी. उन्होंने कहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट एंड द ऑन द माइनर आर्क. तो माइनर आर्क पे रहेगा पॉइंट डी, तो ये होगा एंगल सबटेंडेड ऑन द माइनर आर्क, और मेजर आर्क पे होगा यहाँ सी, पॉइंट सी. अब यहाँ पे हमें सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि अगर कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये जो एंगल होगा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि एंगल ए ओ बी विल बी हाफ ऑफ एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, सबसे पहले जो उन्होंने बोला है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, सो ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस. तो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. देयरफॉर each interior angle of this triangle will be 60 degree. Equilateral triangle में हर एक angle का measure होता है 60 degree. That means center पे भी ये 60 degree ही रहेगा. अब angle जो अभी हमने property देखी, angle ACB ACB will be half of angle AOB, और AOB का मेजर है 60 डिग्री, तो ACB का मेजर रहेगा half of 60, that is 30. अब यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ACBD. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स जो रहेंगे उनका टोटल 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए सी बी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, जो कि एंगल सबटेंडेड ऑन द माइनर आर्क है ये वाला, तो इट इज 180 डिग्री. अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल next this implies that angle ADB is 180 minus angle ACB. ACB का measure है 30 degree, so it is 150. therefore angle subtended by this chord at a point on the major arc and the minor arc are 30 degree and 150 degree respectively. तो दो properties हमने यहाँ पर use की है. एक है कि angle subtended at the center by the same chord is
हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. उसके बाद हमने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी यूज की, दैट अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी. ए डी एंगल ए बी सी है 69, एंगल ए सी बी है 31. हमें फाइंड आउट करना है बी डी सी, ये वाला एंगल. तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल सी. तो हम एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं. एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. अब बी ए सी का मेजर है 69, ए बी सी नहीं, बी ए सी हमें फाइंड आउट करना है. एंगल बी ए सी, ए बी सी का मेजर है 69, उसके बाद ए सी बी का मेजर है 31. तो हमारे पास एंगल बी ए सी का मेजर मिलेगा 180 माइनस 69 प्लस 31 इज 100. तो एंगल बी ए सी विल बी 80 डिग्री. अब ये बी सी जो है एक डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में अगर दो एंगल्स ये जो डायमीटर सबटेंड कर रहा है, तो ये इन दोनों का टोटल रहेगा, या फिर इसे हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड. तो ये रहेंगे इक्वल. अगर ये डायमीटर होता, पर यहाँ पर दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम डायमीटर नहीं लेंगे. यहाँ पर बी सी कॉर्ड है एंगल ए बी सी के लिए भी और एंगल डी बी सी के लिए भी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो यहाँ से हमें एंगल बी डी सी का मेजर मिलेगा 80 डिग्री. इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है. सपोज ये एक सेगमेंट है, ये वाला, इसमें अगर हम दो एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का मेजर इक्वल रहेगा. और सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है, अगर सेमी सर्कल है, यहाँ पर अगर कॉर्ड डायमीटर है, और ये अगर दो एंगल्स वो सबटेंड कर रहा है, तो ये दोनों रहेंगे सप्लीमेंट्री, यानी कि राइट एंगल्स रहेंगे दोनों. तो सेमी सर्कल में जो कॉर्ड या डायमीटर एंगल सबटेंड करता है, उनका मेजर होता है 90 डिग्री. और अगर वो कॉर्ड डायमीटर या सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. यानी कि ये जो सेगमेंट है, इसमें हम इस कॉर्ड से कहीं पर भी एंगल ड्रॉ करेंगे, वो इक्वल रहेगा. यहाँ पर भी ये सभी एंगल्स इक्वल रहेंगे. तो ये सर्कल की प्रॉपर्टीज है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, सबटेंड्स इक्वल
angles at the two points of intersection. ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, ए बी उनका कॉमन पॉइंट है, ये है सेंटर ओ और ये है ओ डैश. हमें प्रूव करना है कि एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश. ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं. इक्वल प्रूव दैट द लाइन ऑफ centers of two intersecting circles subtends equal angles at the two points of intersection. यानी कि पहले हमें इसे join करना होगा. तो ये जो line of centers है two intersecting circles, ये equal angles subtend करेगी points of intersection पे, A और B पे. तो ये दो angles हमें equal prove करने हैं. तो हम दो triangles के congruency से इसे prove कर सकते हैं. In triangle ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी एफ, हाँ ओ बी ओ डैश, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल वन, ये वाले सर्कल का. उसके बाद ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, रेडियस ऑफ सर्कल टू. ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश ओ, ये है कॉमन साइड. देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी ओ डैश. अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. देयरफॉर एंगल ओ ए ओ डैश इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश बाय सी पी सी टी. तो अब हमने ये दोनों एंगल्स भी इक्वल प्रूव कर दिए हैं. तो यहाँ पर फाइनल लिखेंगे, देयरफॉर लाइन ऑफ सेंटर्स of two intersecting circles subtends equal angles at the two points of intersection. तो यहाँ पे ये example हो गया है.